बिस्मिल रहमान कराची बोर्ड आर्ट्स ग्रुप के एग्ज़ाम के लिए इस्लामियत लाजमी पेपर वन 11वीं जमात का गेज पेपर है। इसमें सबसे पहले एमसीक्यू जो है वो आपको परफॉर्म करने हैं, लिखने हैं, तो उसके लिए 2018-2019 ये मिनिमम है। तो 2 साल के ये पेपर जो है वो एमसीक्यू उसके लाजमी जो है वो देखें आप। इसके अलावा 5 ईयर से अगर तैयारी करते हैं तो बेस्ट एमसीक्यू उसके लिए। इसके बाद पहले क्वेश्चन में अहदीस पुरानी आयात आती हैं जिनके ट्रांसलेशन करनी होती है, तो उसमें जो पहली है वो है अल मुस्लिमो मन सलम अल मुस्लिमो, शॉर्ट लिखी है अरबी में ताकि आप बस जस्ट पहले उससे जो है ना आप आइडिया कर लेंगे कौन सी पुरानी आयत। दूसरा है वला तक्सबू कुल्लु नफ्सी, ये इम्पोर्टेंट है। नंबर 3rd जिसमें पढ़ रहे हैं ममई युतीउल्लाह, फर्स्ट और मन सलका तरीकन यतलुबी इन्नस्सलात तन्हा अनिल फाशा वल मुनकर वल बगय अलमुमिन अलमुमिनु अखुल मुमिन ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकुम वमानाकुमुर रसूल, ये इम्पोर्टेंट जो है वो पुरानी जो है ना आयात है उनका ट्रांसलेशन जो है ना वो आपको सही है आएंगे, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सारे क्वेश्चन को मिक्स करके बनाया गया, मतलब शॉर्ट और लॉन्ग के लिए। इसमें सबसे पहले अरकान इस्लाम के बारे में लिखे हैं, सही है, इसके जो पिलर्स है ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी। नंबर 2 अकीदा ख़त्म नबूवत को कुरान और हदीस की रोशनी में वादे करें। नंबर 3 वही क्या है, वही आने के तरीके बताइए। नंबर 4 मुनाफिकीन लोग कौन होते हैं इनकी निशानियां बताएं। नंबर 5 ज़कात के मसारिफ बयान करें शॉर्ट एंड लॉन्ग, मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से कि ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी। शॉर्ट में आएंगे तो मसारिफ के सिर्फ नेम लिखने होंगे आप, लॉन्ग में आएंगे तो फिर डिटेल भी उसकी लिखनी पड़ेगी। तो ये जहन में रखिएगा कि ये गेज पेपर इस तरह बनाया गया है कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में यूज़फुल है। हदीस की तारीफ करें और हदीस की कितनी इकसाम में तहरीर करें। शायद 70 या उसूल अरबा की कुतुब के नाम तहरीर करें। मक्की और मदनी सूरतों से क्या मुराद है। हसद और रश के दरमियान फ़र्क बयान करें। औलाद के फ़राइज बयान करें, शॉर्ट में आए तो हेडिंग डालनी है आपको, अदरवाइज लॉन्ग के अंदर आपको डिटेल से लिखना है। अच्छा, मैंने जो इसको मैं सिलेक्ट कराए ये 4 इम्पोर्टेंट रोज़े नमाज ज़कात और हज के बारे में लिखे हैं। कलमा वो उसकी ट्रांसलेशन आएगी, लेकिन रोज़ा नमाज ज़कात हज सही है। इसमें जो 4 में से और इम्पोर्टेंट अगर हम निकालें तो वो ज़कात और हज ये 2 हैं, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट। कलमा तैयबा या कलमा शहादत का तर्जुमा तहरीर करें। जिक्र क्या है वाजे करें, सही ये शॉर्ट में। रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत में से 3 पर तहरीर करें। रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात में से किसी 3 या 5 सही या 2 के ऊपर जो है ना वो मुफस्सिल आपको लिखना होगा। अकीदा तौहीद को मुदल्लल बयान करें, ये तफसीली वो है सही है कि अकीदा तौहीद है उसको आप तफसीलन डिटेल के साथ बयान करें। नोट लिखें, नोट के अंदर जो है वो क्या असातिज़ा का अदब व एहतराम इम्पोर्टेंट है, हुकूकुल्लाह, अकीदा आखरत, ओके, हज मैंने वहाँ पे भी बताया था इम्पोर्टेंट है और इस दफ़ा भी इम्पोर्टेंट है हज और ज़कात, ये वो है जिन पे शॉर्ट आपको इम्पोर्टेंट नोट तहरीर करने हैं। बाकी इसके अलावा आप अगर जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो भी करें, इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें कि ये गेज पेपर है तो इसको ज़रा अपनी लिस्ट के ऊपर ऊपर रखें। बाकी दूसरी की भी तैयारी करें जो जिसको आप बेहतर समझते हैं।